friends, in this video, I will talk about past perfect tense from both spoken and grammar point of view. So let's start our topic, past perfect tense. Now, first of all, you must know the structure of this tense. आपको इस टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसमें लगता क्या है. तो सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है. परफेक्ट मींस क्या होता है, कंप्लीटेड, पूरा हो गया. और इंग्लिश में एक रूल होता है कि जब भी कोई काम पूरा हो गया उसको अगर हमने दिखाना होता है इंग्लिश में या बोलना होता है तो हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या इंडिकेट करती है कि काम फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया. इसलिए जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जिस भी टेंस में परफेक्ट वर्ड आता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही लगती है. क्यों लगती है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड. और कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो एक्शन है, जो काम है, वो पूरा हो गया. दिखाना चाहते हैं कहां पूरा हुआ, पास्ट में. तो हमें कोई ना कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी जिससे हम ये बता पाए कि काम कहां पूरा हुआ, पास्ट में. तो वो हेल्पिंग वर्ब हम यहां पर क्या लगाते हैं, हैड. इसलिए इस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ये मैंने लॉजिकली आपको बता दिया कि इसमें हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगती है, हमें क्रैक करने की जरूरत नहीं है. अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अब तीसरा प्रकार का सेंटेंस कौन सा यूज करते हैं रियल लाइफ में, और दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. तो मैंने आपकी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने इंग्लिश में बनाना होता है उसका एक ही रूल होता है, आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए. जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे अपने आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, हैड है. तो अब हम क्या करेंगे, हैड को पहले ले आएंगे, ठीक है, हैड प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हैड लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. अब कई बच्चे इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड से भी इस टेंस को देखते हैं. तो हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है, ये तो मैंने इंग्लिश में आपको बता दी. इंग्लिश में, हिंदी में क्या पहचान होती है वो मैं आपको बताता हूँ. कंप्लीटेड, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड. कंप्लीटेड का मतलब क्या हो गया, पूरा हो गया. पूरा हो को हम क्या कहते हैं, चुका, काम हो चुका. अब हम दिखाना चाहते हैं कि काम कहां पूरा हुआ, पास्ट में. पास्ट को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, था. तो इसके पहचान क्या होती है, चुका था, चुके थे और चुकी थी. ये इसकी हिंदी में पहचान होगी अगर कोई हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहता है. जैसे वह खाना खा चुका था, तो इसमें लास्ट में चुका था आ गया. तो आप इसको इंग्लिश में, कुछ जो स्टूडेंट्स है वो ट्रांसलेशन मेथड से सीखते हैं, बट मेरा ये मानना है कि ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट ए गुड मेथड. आप सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश सीख सकते हो, दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. तो ये इसकी हिंदी में पहचान है. नाउ आई विल टॉक अबाउट सम रूल्स रिलेटिंग टू दिस टेंस वेयर यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. और वो कौन कौन से है, पहला रूल क्या है, That's most important rule, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इस टेंस को. अगर पास्ट में कितने हैं, टू एक्शन हो ध्यान रखना. फर्स्ट एक्शन के लिए तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. और सेकेंड एक्शन के लिए यूज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं. ये मैंने पास्ट इंडेफिनेट टेंस वाली वीडियो में भी बताया, पास्ट इंडेफिनेट वीडियो में
टेंस में मैंने दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने 14 रूल डिस्कस किए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये जो रूल है, पहला रूल ये सबसे ज्यादा यूज होता है, अगर आप पास्ट में दो एक्शन की बात कर रहे हो कंप्लीटेड एक्शन की, तो पहले कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे हम रियल लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस पास्ट के बारे में बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, तो इसमें अब दो काम हो रहे हैं, एक मेरा घर पहुंचना, दूसरा मेहमान का जाना। इसमें पहला काम कौन सा हो रहा है, मेहमान का जाना, तो आप क्या कहते हो, द गेस्ट हैड लेफ्ट, गेस्ट जा चुके थे, बिफोर आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, बिफोर मैंने द के पहले, तो इसमें पहला काम कौन सा हो रहा है, मेहमान का जाना, तो उसमें हमने क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस, द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, और दूसरा काम क्या, मेरा घर का पहुंचना, तो मैंने क्या कहा, बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस जो रूल है उसमें हम ये वर्ड जरूर करते यूज करते हैं, ये लिंकर यूज करते हैं, बिफोर, व्हेन और आफ्टर, ये हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। बिफोर मैंने क्या होता है, के पहले, और आफ्टर मैंने के बाद, व्हेन जब, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। इसी को आप, मैं अगर इंग्लिश में बताऊं, अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो मैंने आपको एक रियल लाइफ में स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस बना के दिखाया। जब आपके ग्रामर में ये टेंस, ये रूल आता है, तो आपको एक चीज दी होती है, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया होगा, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहां कौन सा लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। जैसे ध्यान से सुनिए, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा करते हैं, द गेस्ट्स डैश लीव Before I reached home. अब इसमें दो काम हो रहे हैं। अब इसमें देखो आपको क्या मिल गया, before। अगर आपको before, after, when मिलता है, और एक तरफ आपको क्या दे रखा है, past indefinite tense दे रखा है, तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, past perfect tense लगेगा, अगर उसमें दो completed action है। इसमें दो completed action हो रहे हैं, एक तो मेहमान का जाना, दूसरा मेरा घर पहुंचना। तो बिफोर आई रीच होम, यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो यहां एक ही टेंस लगेगा, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैड, लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट। क्लियर। एक एग्जांपल मैं और देता हूं इससे रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। नाउ अनदर, when the doctor came, the patient dash died. अब इसमें भी दो काम हो रहे हैं past के, एक तो डॉक्टर का आना, एक पेशेंट का मरना। तो इसमें आपको when के साथ क्या दी हुई है, verb की second form दी हुई है, past indefinite tense दिया हुआ है। इसका मतलब पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, पहले एक्शन के लिए क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसलिए पेशेंट के साथ क्या लगेगा, हैड डाइड लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, यदि बिफोर आफ्टर व्हेन कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हो, तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पता चल ही जाता है कि हम दो एक्शन की बात कर रहे हैं पास्ट के, तो पहले एक्शन को के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करोगे, और दूसरे एक्शन के लिए क्या यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस टेंस का, दैट यू मस्ट नो। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड रूल, जो हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ग्रामर में, एंड दैट इज कॉल्ड विद रिजेक्टेड कंडीशन। रिजेक्टेड कंडीशन के साथ, अब ये रिजेक्टेड कंडीशन क्या होती है, रिजेक्टेड कंडीशन का मतलब है कि वो काम पॉसिबल था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे कई बार हम बहुत मन लगा के नहीं पढ़ते और हमारे नंबर कम आ जाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो फिर आप क्या कहते हो, अगर मैं कड़ी मेहनत करता तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता था, अब वो काम हो गया
और अब आप क्या कर रहे हो, पछता रहे हो, इसलिए rejected condition को क्या कहते हैं, condition of lamentation भी कहते हैं। lamentation मैंने क्या था, अफसोस, आप अफसोस कर रहे हो, वो काम पॉसिबल था, आप अच्छे नंबर ले सकते थे अगर आप पढ़ते, लेकिन उसने आप उस चीज को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अब आप पछता रहे हो, इसे हम कहते हैं रिजेक्टेड कंडीशन। कई बार हम बस में बस स्टैंड पहुंचते हुए एक मिनट लेट हो जाते हैं, बस चली जाती है, फिर हम क्या सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा सा तेज दौड़ता तो बस पकड़ लेता, मींस वो काम हो सकता था, बस आप पकड़ सकते थे, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो काम नहीं हुआ, इसलिए इसे पछताने वाली कंडीशन भी कहते हैं। हम रियल लाइफ में बहुत टाइम लैमेंट करते हैं, बहुत सारे टाइम लैमेंट करते हैं, तो जब भी आप लैमेंट करोगे, जब भी आपने पश्चाताप करना है, पछताना है, तो आप ये टेंस यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस सेंटेंस को, क्योंकि कंडीशन है, किससे शुरू करेंगे, इफ से शुरू करेंगे, ध्यान रखिए, इफ वाले इफ के साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये ध्यान रखना, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और इधर हमेशा आपके क्या लगेगा, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये हमेशा लगेगी, ये ध्यान रखना। अब ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, यदि इफ वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब इफ के साथ एक ही टेंस आएगा, एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक हिंट है। स्पोकन में हम बना ही सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं कड़ी मेहनत करता तो अच्छे नंबर ले सकता था, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत करता, I would have scored good marks. मैं अच्छे marks score करता। तो ये आप spoken के point of view से हो गया। अब grammar के point of view से इसी sentence को देखते हैं। If I dash work hard, comma, I would have scored गुड मार्क्स। अब देखो इफ वाले सेंटेंस के साथ आपको क्या दिया हुआ है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। इफ वाले सेंटेंस में इफ सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है और आपको क्या दे रखा है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ग्रामर में किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है, इफ मिलता है, सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, हैड, तो क्या बन जाएगा, हैड वर्कड हार्ड। सो इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। तो ऐसे सेंटेंस आप ध्यान से करना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आप रियल लाइफ में स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाते हो जहां लैमेंट करते हो, अफसोस करते हो, तो जब भी आप अफसोस करो तो डायरेक्टली आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, आपको हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं है। अब इस सेंटेंस को स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से इफ के बिना भी बना सकते हैं, इफ के बिना भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, हैड आई वर्कड हार्ड, हैड पहले आओ इफ की जगह, इफ को हटाकर भी कुछ जो पर्सन है वो सेंटेंस को बनाते हैं, हैड आई वर्कड हार्ड I would have scored good marks. So that is also a rejected condition. इसमें हमने if नहीं use किया, तो आप ऐसे sentence भी बना सकते हैं. So this is the most important second rule, and I hope that you are able to understand it. Come to the third rule, जहाँ पर हम past perfect tense लगाते हैं, वो हम लगाते हैं hardly, scarcely के साथ. ये सबसे ज़्यादा competitive exam में आता है. और इनके साथ एक लिंकर रखता है, ध्यान रखना when, ये लिंकर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में hardly, scarcely से सेंटेंस शुरू होता है और यहाँ आपको when नहीं दिया होता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको then दिया होता है, then, तो वो गलत होता है, वहां पे एरर होती है, तो आपने ध्यान रखना hardly, scarcely के साथ हमेशा क्या लगाओगे, when लगाओगे लिंकर, यू मस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस होता है, ये होता है बड़ी मुश्किल से, हिंदी में कहते हैं इसको बड़ी मुश्किल से,
कि कई बार हम कोई काम बड़ी मुश्किल से करते हैं और वो काम बिगड़ जाता है। जैसे आपने बड़ी मुश्किल से अपना कॉपी कंप्लीट की और उस पर क्या गिर गया, पानी गिर गया। अब पानी गिरने से आपकी कॉपी कंप्लीट की हुई वेस्ट हो गई। आपने बहुत मुश्किल से खाना बनाया और वो गिर गया, तो ये उस प्रकार के सेंटेंसेस में आप ये स्ट्रक्चर यूज करते हो, हार्डली स्कार्सली व्हेन, बड़ी मुश्किल से। ठीक है, व्हेन के बाद ध्यान रखना, व्हेन के बाद आप हमेशा एक ही टेंस यूज करोगे, कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ये जो थर्ड रूल है हमारे फर्स्ट रूल का ही रूप है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट में दो एक्शन हो, पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसमें भी अब दो ही काम हो रहे हैं, क्या काम, कि बड़ी मुश्किल से मैंने खाना तैयार किया था, पहला काम खाना तैयार करना था कि वो गिर गया, दूसरा काम कौन सा, गिरना। तो वही मैंने बताया ना, व्हेन के बाद आप हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस लगाओगे दूसरे एक्शन के लिए, पहले एक्शन के लिए क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पहले वाले ही रूल का एक रूप है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसको शुरू कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है जब बनाते वक्त इंग्लिश में। सेंटेंस हार्डली स्कार्सली, जैसे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सेम है बड़ी मुश्किल से, लेकिन ध्यान रखना हार्डली स्कार्सली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो गड़बड़ी करती है, तो क्या आएगा, हार्डली हैड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड, तो हैड आएगा। तो हार्डली हैड आई कंप्लीटेड माय नोटबुक, मैं स्पोकन पॉइंट से बना रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी नोटबुक पूरी की थी। व्हेन, व्हेन के बाद क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन वॉटर, पानी, फेल, फेल कहां से है, फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल, फेल ऑन इट, इस पे क्या गिर गया, पानी गिर गया। तो देखो व्हेन के बाद मैंने क्या लगाया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया है, और उससे पहले कौन सा लगाया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये आपने ध्यान रखना है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रहा हूं, ये ध्यान रखिए, एक तो आपकी लिंकर भी गड़बड़ी करते हैं, यहां देन दे देंगे, THEN दे देंगे, THAN दे देंगे, देन दे देंगे, व्हेन नहीं देते, तो पहली गलती तो यही पकड़ लेनी है। दूसरी चीज आपने जो गलती पकड़नी है वो क्या है, हार्डली और स्कार्सली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऐसा एग्जाम में नहीं करते, वो क्या करते हैं, ऐसे दे देते हैं, हार्डली आई हैड कंप्लीटेड, वो ऐसा सेंटेंस देते हैं, तो आपको ये पकड़ना है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है हार्डली आई हैड कंप्लीटेड, इट मींस वहां पे एरर है, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दिस रूल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर कोई भी सेंटेंस हार्डली से शुरू हो रहा है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसमें एक ही टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट देन थर्ड वर्ब, और व्हेन के बाद हमेशा क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थर्ड रूल व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ, दिस इज द फोर्थ रूल ऑफ दिस टेंस। अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कि हमारी इच्छाएं, है ना, आशाएं, आशाएं में हम कौन कौन सा वर्ड लगाते हैं, होप, एक्सपेक्ट, कुछ वर्ब्स लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार हमारी आशाओं के साथ हमारी इच्छाएं होती हैं, जिसमें हम वर्ड लगाते हैं वॉन्ट, चाहना, इंटेंड, चाहना, कुछ कल्पना वाली वर्ब होती है जिसमें हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि थिंक, स्पोर्च। तो इन वर्ब्स के साथ भी पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, कब लगता है, अगर कार्य पूरा ना हुआ हो, ये ध्यान रखना। इन वर्ब्स के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस तब लगाओगे जब वो काम पूरा नहीं हुआ। जैसे हमने होप की अपने दोस्त से कि वो हमारी सहायता करेगा, लेकिन उसने
हमारी सहायता नहीं की तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैड होप्ड. देखो मैंने क्या लगा दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया. तो पास्ट परफेक्ट टेंस इन वर्ब्स के साथ तब लगता है जब ये क्या इंडिकेट करती है, किसकी तरफ संकेत करती है कि वो काम अधूरा रह गया, पूरा नहीं हो गया. आई हैड होप्ड दैट यू वुड, यहां वुड आएगा हमेशा ध्यान रखना, यू वुड हेल्प मी. अब आई हैड होप्ड दैट यू वुड हेल्प मी, मैंने आशा की थी कि आप मेरी सहायता करोगे. तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मेरे दोस्त ने सहायता नहीं की, उसने हेल्प नहीं की. तो ऐसे सेंटेंस भी हम रियल लाइफ में बहुत सारे बनाते हैं. आई हैड होप्ड दैट यू वुड हेल्प मी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक सोचा कि आपकी फ्रेंड आपके घर आएगी या आपकी पार्टी पे आएगी, तो आपने क्या कहा? आई हैड थॉट ऑफ हर अटेंडिंग माय पार्टी. मैंने सोचा था कि वो मेरे पार्टी को अटेंड करेगी, लेकिन वो नहीं आई. तो हम क्या कह रहे हैं? अपने दोस्त को कह रहे हैं, आपके दोस्त ने पूछा कि वो नहीं आया अभी, वो नहीं आई, तो आपने क्या कहा? आई हैड होप्ड ऑफ हर अटेंडिंग माय पार्टी बट शी डिडंट कम, लेकिन वो नहीं आई. तो ऐसे सिचुएशन में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं वर्ब्स के साथ. ध्यान रखना जब हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि काम पूरा नहीं हुआ. दिस इज द फोर्थ रूल विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द फिफ्थ रूल, जहां पर आप ये टेंस यूज करते हैं. और फिफ्थ रूल क्या है? फॉर एन एक्शन, एक ऐसे कार्य के लिए विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कहां शुरू हुआ अभी, पास्ट में. एक ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ, विच स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहा, एंड एंडेड इन द पास्ट. अब उस एक्शन को दिखाने के लिए, उस कार्य को दिखाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ, थोड़े समय के लिए पास्ट में चला और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया, अगर कोई आप ऐसे एक्शन की बात करना चाहते हो तो भी हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. अब इस रूल में आपको क्या दिया होता है? फॉर और सिंस के बाद क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है. ये ध्यान रखना, ठीक है. ये रूल हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लगता है. तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी लगा सकते हो, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हो. जैसे हम ये कहें कि वो इस शहर में 5 साल तक रहा था, काम पास्ट में शुरू हुआ, 5 साल चला, 5 साल में ही खत्म हो गया. अब इसको क्या कहेंगे? ही हैड लिव्ड इन दिस सिटी, इस शहर में रहा, कितने साल तक रहा भाई? फॉर 5 years. क्लियर? तो इसमें क्या आ गया? हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया, ठीक है. और इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी लगा सकते हैं. जैसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगा के वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. जैसे ही हैड बीन वर्किंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, ठीक है. तो ये वाला फिफ्थ रूल है जो कम यूज होता है, बट द फर्स्ट फोर रूल्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये ध्यान रखना, अगर फोर और सिंस के बाद अगर आपको टाइम दिया हो, पास्ट की बात आए, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस भी लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी लगाते हैं. तो दिस इज द फिफ्थ रूल एंड द लास्ट रूल ऑफ दिस टेंस. सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेंस. तो अगर फिर भी आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज भेज सकते हो, जिसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा. इफ यू फील एनी कंफ्यूजन इन दिस टेंस.